मेरे उठने का समय हो गया। ओ हाय बच्चे, मैं बीज हूँ। एक अद्भुत चीज, तुम कैसे हो? अब बस मेरे चौंकने का समय हो गया है। जब एक बीज चौंकता है और उगता है, उस क्रिया को जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन, ये एक आकर्षक शब्द है। ठीक उसी पेड़ की तरह जो मैं बड़ा होकर बन जाऊंगा। पर पहली चीज पहले, मुझे अपनी अलार्म घड़ी को चेक करना है। एक बीज को जागने के लिए कुछ स्थितियों का होना जरूरी है। मुझे सही नमी चाहिए, सही तापमान चाहिए, संतुलित पोषक तत्व चाहिए और सही मात्रा में सूरज की रोशनी चाहिए। मैं बहुत ही नखरे वाला हूँ। अगर सभी स्थितियाँ नहीं होंगी तो मैं जर्मिनेट होने से इनकार कर दूंगा। पर आज मेरे दोस्त, उगने के लिए बहुत अच्छा दिन है। नजदीक से देखो, मैं देखने में बहुत साधारण लगता हूँ, पर मेरे अंदर बहुत कुछ है। एक सीट कोट मुझे सुरक्षित रखने के लिए, एक भोजन संग्रह जिसे मैं तब तक खा सकूं जब तक मैं अपना भोजन बनाने लायक बड़ा नहीं हो जाता, वो उसे कॉटलेडन कहते हैं, और एक शिशु पेड़ एम्ब्रियो। मेरे अंदर ये सब है। अब बस समय हो गया है। लो, खुद को थामे रखो। मेरी जड़ निकल आई। ओह, कितनी अद्भुत है। और ये मेरी शूट है। मेरी कोमल हरी पत्तियों को तो देखो। ये कितना अच्छा है ना कि मैं जर्मिनेट हुआ। और जल्दी ही कुछ सालों बाद, अब मैं एक बड़ा पेड़ बन रहा हूँ। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे पास खुद के फूल और फल हैं, और हाँ, मेरे खुद के बीज भी हैं। मेरा राज्य बढ़ाने के लिए ये बीज बहुत दूर दूर तक जाएंगे। तुम पूछोगे कि बीज कैसे यात्रा कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हम बीज बहुत नखरे वाले होते हैं। हम तभी जर्मिनेट होते हैं जब सभी स्थितियाँ ठीक होती हैं। सूरज की रोशनी, नमी, पोषक तत्व और तापमान। अब मुझे बताओ कि अगर मेरी सभी बीज मेरे पास ही रहेंगे तो क्या उन्हें जरूरी पोषण और सूरज की रोशनी मिल पाएगी? बिल्कुल सही। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो सभी यहाँ पर बढ़ सके। मैं उन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी रोक रहा हूँ और जमीन से उनका भोजन भी शेयर करता हूँ। उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो उन्हें अपने सूटकेस पैक करके एक यात्रा पर निकलना पड़ेगा। बीजों के इस मूवमेंट को डिस्पर्सल कहते हैं। तुम पूछोगे कि बीजों की ये यात्रा कौन कराता है? वेल, यहाँ बहुत से दोस्त हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। जैसे हवा इन दोस्तों में से एक है। ये हमें आस पास ले जाती है। ज्यादातर हेलीकॉप्टर बीज या बीज जिनके पर होते हैं, वो अपने पंखों पर सवार होकर यात्रा कर जाते हैं। पशु भी हमारी मदद करते हैं। कभी कभी पशु एक फल खाते हैं और उनमें से बीज बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं, जो सभी उगने के लिए तैयार होते हैं। कुछ बीजों के पास हुक होते हैं और वो पशुओं के ऊपर सीधी सवारी करते हैं। अरे हाँ, पानी भी तो यात्रा करने का बड़ा तरीका है। नारियल के जैसे फलों के लिए किसी बोट की जरूरत नहीं होती। हम तो दूर द्वीपों तक तैर के जाते हैं। तो हवा, पानी और पशुओं जैसे दोस्त हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमें बढ़िया पेड़ों के रूप में उग सकते हैं और सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। काफी मजे वाली जिंदगी है ना हमारी। कैसे हम छोटे से बीज से इतने बड़े फैल जाते हैं, है ना?